बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल फैक्ट्स विद चौधरी नसीर में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारा यूट्यूब चैनल सर्च में क्यों नहीं आता। जब नए यूट्यूबर्स यूट्यूब में एंटर होते हैं और वो अपने चैनल्स बनाते हैं तो उनके चैनल्स में एक प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, इशू आता है कि जब वो नाम लिखा जाता है चैनल का तो वो चैनल सर्च में नज़र नहीं आता। तो वो चैनल सर्च में कैसे नज़र आएगा, उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये ओपन किया हुआ है, उसका यूट्यूब स्टूडियो। सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जर्नल, चैनल, अपलोड्स, डिफॉल्ट्स। हम चैनल में जाते हैं, चैनल में जाके आप देख सकते हैं ये हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर हम अपने चैनल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फैक्ट्स विद चौधरी नसीर, इसके बाद मैंने इसको सेपरेट करके फैक्ट्स चौधरी नसीर, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल, फूड, कोविड, वैक्सीनेशंस, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अपने चैनल में बात करता हूँ या वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे चैनल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये टॉपिक्स हैं। इस वजह से आपने अपने कीवर्ड्स में ऐसे तमाम अल्फाज एंटर करने हैं जिसकी वजह से आपका चैनल सर्च में आए और जिसके बारे में आपकी वीडियोस का कंटेंट है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपने चैनल का नाम कीवर्ड्स में लिखना है। इसके बाद दूसरी चीज़, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में हम आते हैं, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में एक तो आप अपने चैनल के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि मेरा चैनल किस बारे में है और इस पर किस किस्म की वीडियोस और क्या कंटेंट है मेरे पास। इसमें भी आपने अपना चैनल का नाम आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने लास्ट में एक लाइन ऐड की, आई होप यू लाइक द वीडियोस ऑफ फैक्ट्स विद चौधरी नसीर। तो ये फैक्ट्स विद चौधरी नसीर मेरे चैनल का नाम है और ये डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है और विजिबिलिटी इसकी है पब्लिक। इसको हम यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी क्योंकि सेव हुआ हुआ है तो सेव नहीं ऑप्शन आ रही, आपके पास सेव की ऑप्शन आएगी। इसके बाद कंटेंट में हम आएंगे, कंटेंट में आकर आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक वीडियो है जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है। इसमें आप देख सकते हैं इसका टाइटल क्या है, सुजुकी ऑल्टो एजीएस 660 सीसी रिव्यू, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस। इसके बाद डैश डाल के मैंने आगे क्या लिखा है, फैक्ट्स विद चौधरी नसीर, जो मेरे चैनल का नाम है। तो आपने अपने टाइटल्स में जो आपके चैनल का नाम है वो लिख देना है। इसके बाद जो यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने यहाँ पर अपने चैनल का नाम यूज़ करना है, फैक्ट्स विद चौधरी नसीर। जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो इससे पहले हमने देखी है, उस डिस्क्रिप्शन में जब आप एंटर करके अपनी सेटिंग सेव कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़, ये जो लास्ट का पैराग्राफ जिस तरह मेरे पास आ रहा है, ये आपके पास भी आएगा। और जो ऑलरेडी वीडियोस आप अपलोड कर चुके हैं उनके लिए ये सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसके साथ भी ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल में अपने चैनल का नाम एंटर करें। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे शो मोर पर आते हैं और शो मोर पर आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे हैं टैग्स। अब यूट्यूब क्या बताता है, टैग्स कैन बी यूजफुल इफ़ कॉन्टेंट इन योर वीडियो इज़ कॉमनली मिसस्पेल्ड, अदरवाइज टैग्स प्ले आ मिनिमल रोल इन हेल्पिंग व्यूअर्स टू फाइंड योर वीडियो। तो ये वो टैग्स हैं जो बेसिकली आपके चैनल और आपकी वीडियो को के बारे में व्यूअर को बताएंगे और वो सर्च में आपकी ईजीली आ जाएगा। ये वीडियो अब मैंने जैसे कि बनाई है सुजुकी ऑल्टो एजीएस के बारे में, तो मैंने डिफरेंट टैग्स इसमें यूज़ किए हैं, सुजुकी ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो एजीएस, ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो कार, इसी तरह से ये देखिए फैक्ट्स विद चौधरी नसीर, इसमें भी हमने अपने चैनल का नाम एंटर करना है। ये सारी चीज़ें करने से आपका चैनल जो है वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव करें और ये प्रैक्टिस आप अपनी जितनी अपलोडेड वीडियोस है उस पर करें और जो नेक्स्ट आप इन फ्यूचर वीडियोस अपलोड करेंगे उसके अंदर भी आप अपने टाइटल में जो है वो ये चीज़ शामिल कर दें। इसके बाद जब आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि आप यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम सर्च करें, तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ
किसी भी रैंडम चैनल का हम नाम लिख लेते हैं। वुमेन ब्लॉग्स। अब उन ब्लॉग्स को जब हम एंटर करते हैं तो इधर बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं। तो आपने एक तो नाम ऐसा चूज़ करना है, सर्च कर लेना है, जो अपने चैनल का नाम है वो ऐसा चूज़ करना है जो ऑलरेडी कहीं पर भी किसी के यूज़ में ना हो, और अगर यूज़ में हो तो आप कोशिश करें कि उसको चेंज कर लें। और जैसे जैसे आपका चैनल जो है वो ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स और वीडियोस के व्यूज़ जो हैं वो लोग देखते जाएंगे, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको आपके चैनल का नाम जो है वो प्रोमिनेंट कर देता है, उसे वो आप कह लें कि उसकी रैंकिंग बेहतर कर देता है और उसे वो सर्च में ईजीली ले आता है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनकी मदद से आपका चैनल जो है वो यूट्यूब सर्च में आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं वो भी आपको पसंद आती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में मेरी बहुत अप्रिसिएशन दी है और बहुत हेल्प आउट किया है। इसके साथ ही आज की वीडियो अख्ताम को पहुँचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।